पद्मा पाइप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। दिखाते हैं आज अपने सिटी में आपके शहर की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी राम प्रकाश की अध्यक्षता में कोविड-19 के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवानी मंडी एवं प्रभारी अधिकारी CHC भवानी मंडी और नॉन हॉस्पिटल प्रभारी, SK हॉस्पिटल प्रभारी, शीला हॉस्पिटल प्रभारी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ भवानी मंडी ब्लॉक के सभी पंचायत सहायक मित्रों ने अपने हक व अधिकार की मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी भवानी मंडी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जागरूक पंचायत सहायकों में ब्लॉक अध्यक्ष अजाज शद्रु, फकीर चंद, विजेंद्र सिंह, हृदय राम, राजू, राजेश शर्मा, कमलेश, बाबूलाल आदि मौजूद रहे। नगर पालिका भवानी मंडी के लिए कुल 40 वार्डों के लिए लॉटरी निकाली गई। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 7 वार्डों का चयन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति महिला के लिए इन 7 वार्डों में से लॉटरी निकाली गई। अनुसूचित महिला वर्ग वार्ड नंबर 2 व 3, अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड नंबर 38, 24, 32, 13 व 27, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड नंबर 22 आरक्षित किया गया है। शेष 32 वार्डों में से 8 वार्डों का चयन लॉटरी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य में वार्ड नंबर 21, 11, 9, 10 व 7, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड नंबर 12, 4 व 23, सामान्य वर्ग के लिए 24 वार्डों में से 8 महिला वार्डों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। सामान्य वर्ग महिला वार्ड नंबर 19, 1, 34, 36, 26, 31, 14 व 16, अनारक्षित वार्ड नंबर 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 22, 28, 30, 33, 35, 37, 39 व 40 का चयन किया गया। खानपुर, अवैध मादक पदार्थ 50 ग्राम स्मैक व मोटरसाइकिल सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। सारोड़ा थाना पुलिस ने कार्यवाही की। जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के धरपकड़ अभियान के तहत सारोड़ा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 तस्करों को बाइक सहित गिरफ्तार किया है। सारोड़ा थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि तारस तालाब के पास नाकाबंदी के दौरान 3 तस्कर अवैध मादक पदार्थ 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पनवाड़ थानाधिकारी जगदीश नागर को सौंप दी है। उन्हें थाना क्षेत्र के एक गांव से 12 अक्टूबर रात्रि को एक 14 वर्षीय नाबालिग को एक युवक बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने मामा की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना ASI पुरीलाल वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 14 वर्षीय भांजी सोमवार रात्रि को उसकी बहन के पास सो रही थी। रात्रि को दिलीप सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति सोंधिया राजपूत निवासी रणायरा थाना गंगधार बहरा फुसला कर बालिका को भगा ले गया। पुलिस ने मामा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पिड़ावा में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्णय पर आभार जताया गया। साथ ही मांग करते हुए बताया कि विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को अल्प मानदेय पर कार्य करते हुए 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। शीघ्र ही विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को स्थायी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुनील ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर लाल, गंगाराम मेघवाल, रमेश जैन, विक्रम सिंह, सचिन जिंदल, मुरलीधर शर्मा, अब्दुल रजाक, दिनेश जैन, दिनेश वर्मा, मनोज कुमार, कालूराम शर्मा, दिनेश माली, प्रकाश चंद, राम सिंह, गोपाल आदि शामिल रहे। राजस्थान में विद्यार्थी मित्र को लगे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं और काफ़ी अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से मतलब एक ही मांग करते आ रहे हैं हम कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। और वर्तमान में हमने जो ज्ञापन दिया है इसमें भी हमारी एक ही मांग है कि नियमितीकरण करना। हमें जो अल्प मानदेय मिल रहा है उसमें अभी तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमें मतलब वेतन बढ़ोतरी या कोई भी प्रकार के मतलब जो तो वो हमें मतलब मान्य नहीं है। खानपुर तहसील के बेसार गांव में 11 केवी की लाइन टूटकर गिर गई, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। समय पर लाइन मेन द्वारा लाइन चेक नहीं करने के कारण हादसा हुआ। पूरे गांव में ऐसी ही लाइन डाली गई है जो हमेशा दुर्घटना को बुला दे रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी कोई सुनता ही नहीं है, वहां हर समय लोगों का उठना बैठना रहता है, लेकिन उस समय उस जगह पर कोई नहीं होने के कारण बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया।
चौमेला अभियान आवास का आगाज। कार्यक्रम का आयोजन गंगधार पुलिस, जिला पुलिस झालावाड़ राजस्थान के सानिध्य में पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सम्मान, अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति सजग, महिला अपराधों में कमी, युवाओं में नारी सम्मान के महत्व को समझाना इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष संजय मीणा, पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता ओम प्रकाश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, पुलिस स्टाफ सहित अध्यापिका उपस्थित रहे। आज के समाचारों में बस इतना ही, और अन्य ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581, 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911, 7597462260।